मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। आप एक मोबाइल को कितने साल तक चलाते हैं, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। मैं तो ज़्यादा समय नहीं चला पाता मोबाइल को, इन 5 वर्षों में मैं कई मोबाइल बदला हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि आप भी कोई एक मोबाइल को ज़्यादा लंबे समय तक चलाते होंगे। लेकिन मैं आज एक ऐसे शख्स से आपको मिलाऊँगा, रूबरू कराऊँगा, जिनके पास आज से 60 साल और 70 साल पुराना रेडियो रखा हुआ है। आप देख सकते हैं मैं जिस जगह मौजूद हूँ, जिस रूम में मौजूद हूँ, वहाँ खाली आपको रेडियो और रेडियो और रेडियो ही दिखाई पड़ रहे होंगे। और ये हमारे साथ बैठे जो बैठे हैं वो शख्स हैं जिन्होंने इस रेडियो का संग्रह किया है। सर स्वागत है हमारे चैनल जी, आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आपका। सर कब से शौक़ हुआ आपको रेडियो रखना है, ऐसे संग्रह करना? ये 1970 से शौक हुआ। उस समय मनोरंजन के नाम पर एकमात्र साधन रेडियो ही था और सिनेमा हॉल, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो आदमी रेडियो सुनने के लिए दूर दूर इकट्ठे होते थे, या चौपाल लगाते थे, या गाँव में चाहे शहरों में किसी के पास यदि छोटा ट्रांजिस्टर रहता था तो वो बाहर निकाल कर अपना वो बैठते थे और उसको 8-10 जन एक साथ सुना करते थे। सर आप मेरे को बताइएगा, आप रेडियो तो काफ़ी सारा रखे हैं लेकिन सबसे पुराना रेडियो कौन सा है आपका, आप बताइएगा मेरे को। सबसे पुराना रेडियो है, यह विभाजन के दौर का है और यह ब्रिटिश गवर्नमेंट का बनाया हुआ है और आज भी इसकी बनावट देख लीजिए वैसे की वैसे, ज्यों की त्यों है, सिर्फ धूल भरे, बाकी लकड़ी वगैरह उनका फ्रेम वगैरह सब पूरा वैसे ही लगा हुआ है आज भी। और यह अखंड भारत के समय का रेडियो है जिसमें भारत ब्रिटिश गवर्नमेंट का 7 देशों में एक साथ नेटवर्क चलता था, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान। अखंड भारत की बात करते हैं लेकिन ये सबूत माना जाए अखंड भारत की। हाँ, यह अखंड भारत के समय का रेडियो है और इसमें सारा नेटवर्क प्रिंट है। इसके डायल प्लेट को आप रोशनी करके देख सकते हैं, इसमें रावलपिंडी, मुल्तान, लाहौर, ढाका, मुर्शिदाबाद, काठमांडू, थिम्पू आदि प्रिंटेड है उसमें। दादाजी बता रहे हैं इसमें सब कुछ लिखा हुआ है जो अखंड भारत का सारा कुछ सबूत है। और दादा और कौन कौन सा रेडियो आपके पास में, जो रेडियो है कौन कौन से सन के हैं? रेडियो तो मतलब 1948 से शुरुआत है और बाकी वर्तमान समझ लीजिए 2022 तक का मॉडल मौजूद है यहाँ पर। आपने बताया, आपके द्वारा बताया गया कि काफ़ी सारे आपको गिफ्ट भी मिले हैं और इसके पीछे कहानियाँ भी हैं। आप मेरे को जो कहानी बताया थे इस रेडियो की आप कहानी बताते एक बार मेरे दर्शकों को बताइएगा इस रेडियो की कहानी। यह रेडियो एडवोकेट ईश्वर चंद्र तिवारी जी ने भेंट किया था हमें, इसके पीछे भी एक रोचक वाक्य है। यह भी विभाजन के बाद का ही है, कुछ समय बाद का ही है, जिसमें भी अखंड भारत का नेटवर्क प्रिंट है। और इन्होंने मुझे मेरा न्यूज़ कहीं पर देखा था टीवी में, तो इन्होंने इस रेडियो को संभाल कर रखा और निकाल कर रखा कि भाई इसको डेंगवानी तक पहुंचाना है। तो इनकी मैसेज को जानकारी नहीं थी, उन्होंने जाकर एक कबाड़ी को बेच दिया 100 रुपये में। तो दूसरे दिन वकील साहब ने मुझे फ़ोन किया कि डेंगवानी जी मैंने आपके लिए रेडियो रखा है, उसको आकर ले जाइए। तो जब मैं पहुँचा तो घर में रेडियो था ही नहीं, तब उनकी मैसेज ने बताया मैंने तो कबाड़ी को बेच दिया है। तब उन्होंने मैसेज को बहुत डांटा और बोले आप एक तकलीफ़ करिए, कल फिर आ जाइएगा। वो वकील साहब को दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने उस कबाड़ी को खोज निकाला और 100 की जगह उनको 150 रुपये देकर ये रेडियो वापस उठा कर लाए। और मैंने भी उनसे वादा किया कि सर मैं ये रेडियो तो ले जा रहा हूँ लेकिन ये इसको चालू करूँगा, किसी भी हालत में चालू करके आपको दिखाऊंगा। तो वो काफ़ी खुश हुए और उन्होंने कहा कि जिस दिन यह चालू हो जाएगा मुझे फ़ोन पर सूचना अवश्य देना या मुझे बुलाना, मैं देखने आऊँगा। और मैंने उनको जानकारी दी तो वो बेहद खुश हुए और सारे अपने रिश्तेदारों के साथ आकर मेरी फ़ोटो खिंचवाए अपने साथ। मुझे लगता है ये जो रेडियो का आपका संग्रह है ये प्रेम है आपका रेडियो के प्रति। जी ये बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं आप रेडियो से। जी बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि ये हमारी बचपन की यादें हैं और बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है और हमारे बुजुर्गों को भी यादें जुड़ी है और हमने उस दौर को देखा है जब एकमात्र मनोरंजन के नाम पर सिर्फ रेडियो ही था। तो रेडियो के अलावा और कुछ से प्रेम करते हैं कि बस रेडियो से ही प्रेम करते हैं? रेडियो सुनने से भी प्रेम करते हैं, गीतों को भी सुनते हैं, नियमित रूप से रेडियो बजते हैं और सारा दिन बजते हैं। और दिन भर में एक रेडियो नहीं चला सकते क्योंकि 2 घंटे में वो गर्म हो जाएगा, उसकी फ्रिक्वेंसी जाम हो जाएगी, इसी कारण 2 घंटे के बाद रेडियो बदल जाता है। मैं दुकान में रहूँ, घर में रहूँ, गोदाम में रहूँ, हर जगह मेरा रेडियो स्थापित है। आप जो शर्ट पहने हैं 2 बटन है कॉलर में, क्या कारण है? यह कॉलर जो है सिर्फ देवानंद पहनते हैं और मैं पहनता हूँ। और देवानंद ने अपने आजीवन फिल्मों में इसी 2 बटन वाली कॉलर को ही पहना था और 1970 में इनकी पहली फिल्म आई थी प्रेम पुजारी और उनसे लेकर आज तक की जितनी भी फिल्में बनी, हालांकि वो आखिरी सांस तक वो बोलते थे मेरा फिल्में बनाना पैसा कमाना शौक नहीं है, फिल्में बनाना मेरा शौक़ है। तो आखिरी में भी उन्होंने जाने के पहले भी 2 फिल्मों की घोषणा की थी जिनमें हम दोनों फिल्म का रंगीन संस्करण और एक रिया सेन की फिल्म ब्यूटी क्वीन बना रहे थे और इस बीच वो चले गए। आप मतलब कहा जाए तो आप देवानंद के फैन हैं, यही समझो? जी
बहुत ज़बरदस्त फ़ैन है और उनकी सारी फिल्में देखा हूँ और उनके लगभग रफ़ी के गाए हुए उनकी फिल्मों में गीत सारे गीत मुझे याद हैं, पूरे गा लेता हूँ मैं हूँ। तो देवानंद जी की एक बहुत वायरल हुई थी बात, आपको शायद पता होगी, काला कोट वाली बात। काला कोट वाली बात थी ना, उस पर बैन नहीं, उसमें कोई किसी की आत्महत्या से जुड़ा हुआ केस था तो बाद में उसको गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया तो उस कारण से उन्होंने कोट पहनना काला बंद कर दिया। मतलब किसी व्यक्ति के ऊपर काला कोट पहनने से बैन लगा दिया गवर्नमेंट ने। हाँ तो काफ़ी सारे उसमें रोचक वाक्य हैं, बहुत लंबी कहानी है, आप बताना शुरू करूंगा तो आपका समय निकल जाएगा। इसलिए लड़कियाँ दीवानी थी, बहुत ज़्यादा दीवानी थी, हद से ज़्यादा दीवानी थी। और एक मुझे लगता है कि आप भी उसके दीवाने हैं। मैं तो देवानंद का शुरू से ही दीवाना हूँ और आज तक हूँ। और सारी उन्होंने लगभग 118 फिल्मों में काम किया जिनमें करीब 40 फिल्मों का निर्माण और निर्देशन स्वयं किया, वो सारी फिल्में मैं देख चुका हूँ। और जो मेरे पैदा होने से पहले फिल्में रिलीज़ हुई थी उनको भी VCR के माध्यम से या DVD प्लेयर के माध्यम से देख चुका हूँ। और जिनकी सारी CD मुझे, मेरे पास CD, वीडियो कैसेट, DVD सारे मौजूद है मेरे पास। लड़कियाँ तो देवानंद की दीवानी है, लेकिन हमारे साथ मौजूद जो हैं भैया वो भी देवानंद के बहुत दीवाने हैं। इनके हाथ में पोस्टर, क्या चीज़ है ये, क्या चीज़ है ये? रिकॉर्ड प्लेयर है, मिनी रिकॉर्ड प्लेयर। इसको ये मिनी रिकॉर्ड प्लेयर है, ये आपको EP रिकॉर्ड बोलते हैं, बड़े रिकॉर्डों को LP रिकॉर्ड कहा जाता था। ये EP रिकॉर्ड है, इसमें दो गाने रहते हैं मात्र। मतलब कैसेट है। हाँ, ये कैसेट है, ये समझ लीजिए पुराने जमाने की CD है, पहले दौर की CD है ये। इसमें दो गाने रहते थे, एक सामने और एक पीछे में। तो उस दौर में ये 7 रुपये की मात्र मिलती थी, जो कि आज 700 रुपये में भी मिलना मुश्किल है। हमारे साथ भैया सारी पुरानी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी, रेडियो जितनी पुरानी रेडियो है आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और साथ में जो देवानंद है, देवानंद की दीवाने की खबर, दीवाना होने की खबर पूरे देश भर में है, हर कोई जानता है देवानंद को। तो देवानंद से आप बहुत प्यार करते हैं। हाँ, उनकी सारी जानकारी है, कौन सी फिल्म कब रिलीज हुई थी उनकी वो सारी जानकारी है, और उनकी कौन सी फिल्म में कौन सा रेडियो दिखाया गया था वो भी मौजूद है। ये जो रेडियो का कलेक्शन है, कितना रेडियो है आपके पास में? ये रेडियो 582 है, और जिसमें प्रत्येक मॉडल अलग अलग मॉडल है, प्रत्येक का शेप जो है अलग अलग है, और हर मॉडल की कुछ ना कुछ खासियत है। किसी में रेडियो के साथ टेप है, किसी के साथ DVD प्लेयर, किसी के साथ एम्पलीफायर है, किसी के साथ लाउड स्पीकर सिस्टम है। प्रत्येक रेडियो की अलग अलग विशेषता है, कोई वॉल रेडियो है, कोई ट्रांजिस्टर रेडियो है, कोई AC/DC रेडियो है, कोई बिना ट्रांसफार्मर का रेडियो है, कोई अपना FM मॉडल के साथ अटैच है। मतलब इसको हम रेडियो का म्यूजियम कह सकते हैं। हाँ, रेडियो का म्यूजियम है, और इसमें सारे रेडियो के स्वरूप मौजूद हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से लेकर आज तक रेडियो का स्वरूप 4 बार बदला है, वो चारों स्वरूप यहाँ मौजूद हैं इनके। कौन सा नंबर का म्यूजियम है? आप बता रहे थे कि जो रेडियो का म्यूजियम है शायद पहला नंबर है भारत में। विश्व में तो बहुत सारे मतलब रेडियो के संकलन करता है, जिसमें से 32 लोग प्रमुख है, जिसमें से अपना भारत में हमारा प्रथम स्थान है और विश्व में दूसरे नंबर पर है। और पहला स्थान विश्व के इंग्लैंड के गैरी वेल्स का है, जिनका लंदन में संग्रहालय है, और उनके पास 1200 रेडियो का कलेक्शन है, और उनको गवर्नमेंट मदद करती है, उन्होंने गवर्नमेंट ने म्यूजियम बना कर दिया है उनको, और रखरखाव के लिए मेंटेनेंस का सारा खर्चा गवर्नमेंट वहन करती है, जबकि हमारे भारत में कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन मैं इसे स्वयं अपने निजी खर्च पर ही मेंटेनेंस करता हूँ। लगभग इसको मेंटेन करने में आपको कितना खर्चा आता होगा? इसका 1500 से 3000 रुपये लग जाता है महीना। महीना हम कैसे करते हैं खर्चा? अपनी दुकान से थोड़ा सा बचा के अलग करते जाते हैं, रेडियो के लिए बजट अलग रखा रहता है। वो भी यहाँ मौजूद है, आपको दिखा रहता हूँ, आप देख लीजिए। रेडियो के लिए थोड़ा बजट निकाल के उसको जमा करते जाता हूँ दुकान से। ये हमारे साथ जो भैया शौक है इनका, रेडियो के और ये प्रेम है बोला जाए, यह पैसा सिर्फ रेडियो में ही खर्चा किया जाता है। ये भाई साहब का प्रेम है रेडियो को संकलन करने के लिए, म्यूजियम बनाने के लिए, और इनको संभालने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए। और अभी हमने पूरा सारा सामान मंगाया है, रेडियो के पार्ट्स वगैरह पूरे मंगाए हैं। ये कार्टून है, इसमें लगभग 15-20 हज़ार रुपये का सामान है, और इसमें कुछ ज़्यादातर काम स्वयं अल्टरनेट कर लेते हैं। मतलब यदि किसी रेडियो में कोई दिक्कत आई, कोई प्रॉब्लम आई, तो उसको यदि सुधारना है तो आप सभी काम लगभग स्वयं कर लेते हैं, और जो नहीं हो पाता तो हमारे एक दो मित्र हैं, हेल्प करके उसको अपन चालू कर देते हैं या ठीक कर देते हैं उसमें। आप गृह मंत्रालय से मिला है एक रेडियो, बताया कौन सा रेडियो था गृह मंत्रालय से जो रेडियो आपको मिला है? ये एक बार ये हमारे गृह मंत्रालय के सचिव हैं श्री AK शुक्ला साहब, उन्होंने कहीं पर हमारी न्यूज़ देखी थी, और वो लगभग 3 महीने से हमारा पता खोज रहे थे, उनको कोई बता नहीं पा रहा था, और उन्होंने कई जगह प्रेस में फ़ोन किया कि भैया इनका डेंगवानी जी का नंबर था बताओ, तो जनरल प्रेस वाले क्या है, नंबर नहीं देते किसी को भी, नहीं बताते हैं। तब उन्होंने कहीं से अपना नंबर निकाला और फ़ोन किया कि मैं गृह मंत्रालय से शुक्ला जी बोल रहा हूँ। बोला नमस्कार सर, तो हैरान रह गए। मैं बोला वो मुझे सर बोलने लगे, मैंने कहा सर आप मुझे क्यों सर बोल रहे हो? नहीं बोले मैंने आपके लिए एक रेडियो रखा है, मैं लेकर आ रहा हूँ, तो एक दिन कब आऊँ सर आप ये समय दीजिए। मैं बोला सर आप जब आइए आपका स्वागत है, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था
कि इतने बड़े अधिकारी मुझे फ़ोन कर रहे हैं, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। मैं बोला सर आप जब चाहें आना चाहिए, जब आना चाहिए जी। तो बोले मैं कल आ रहा हूँ। तो दूसरे दिन देखा तो ये बड़ी लंबी चौड़ी कार में ये रेडियो डालकर हमारे ऑफिस लेकर आए। फिर मैंने उनको अपने ऑफिस में बैठाया, उनको मेरे साथ चाय नाश्ता वगैरह किए, काफ़ी खुश होकर गए कि बोले आज हमारी धरोहर सुरक्षित जगह पर पहुँच गई, अब हमारी टेंशन खत्म हो गई। बोले ठीक है, मुझे तो ताजुब है कि इतना रेडियो का कलेक्शन रखे। आप देवानंद के फैन हैं, मैं भी, मुझे देवानंद काफ़ी पसंद है। मैं चाहता हूँ कि आप देवानंद का एक गाना गाएं और सुनाएं। गाना तो एक नहीं गए। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, गम और खुशी में फर्क न महसूस था कोई, गम और खुशी में फर्क न महसूस था कोई ना। कोई नहीं। लगभग उसके सारे रफी के गाए हुए सारे गीत मेरे याद हैं, पूरे याद हैं ना। मैं आज ताजुब हूँ कि कोई रेडियो का ऐसा संग्रह कैसे कर सकता है। मतलब ये कहा जाए तो एक म्यूजियम है जो आपको इस रूम में, एक छोटे से मकान के अंदर, छोटे से रूम के अंदर दिखाई पड़ रहा है। छोटा नहीं, ये बहुत बड़ा रूम है। ये रेडियो के कारण से दो फुट चारों तरफ से घिरा गया है, इसलिए छोटा दिख रहा है। ये कम से कम 200 फीट का रूम है। ये छोटा रूम नहीं है, गलती हो गई थी मेरे से, काफ़ी बड़ा रूम है। डेढ़ फीट की इसमें रैक लगी है, अलमारियाँ लगी हुई है, तो चारों तरफ से डेढ़ डेढ़ फीट कट गया, तो मतलब 6 फीट कट गए। काफ़ी बड़ा रूम है, छोटा रूम नहीं है, मेरी से गलती हो गई थी। मतलब इतने बड़े रूम में पूरा रेडियो का संग्रह है और रेडियो से भरा हुआ है। मैं ताजुब इस बात से हूँ कि कोई व्यक्ति रेडियो से इतना प्रेम कैसे कर सकता है। यदि प्रेम देखना है आपको रेडियो के प्रति, इन भैया का प्रेम देखना है, तो आप आ सकते हैं और ये रेडियो का संग्रह बिल्कुल देख सकते हैं।